गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स बेटा, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी। अमन डिड 6/9 ऑफ हिज होमवर्क ऑन संडे एंड मंडे। इफ ही डिड 2/9 ऑफ द होमवर्क ऑन संडे, व्हाट पार्ट ऑफ द होमवर्क डिड ही डू मंडे। देखिए, इन्होंने क्या कहा है, जो अमन है उसको संडे और मंडे को 6/9 पार्ट होमवर्क का कंप्लीट करना था। तो अमन ने संडे को 2/9 पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है, तो इन्होंने हमसे पूछा है कि मंडे को कितना होमवर्क करता है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, संडे और मंडे का होमवर्क का टोटल पार्ट क्या है, सॉल्व 6/9 माइनस कितना पार्ट उसने कंप्लीट कर लिया है, 2/9 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, 2/9 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। 6/9 में से 2/9 पार्ट जो था वो संडे को कंप्लीट कर लिया है, तो अब हमें मंडे को निकालना है कि वो मंडे को कितना होमवर्क वो कंप्लीट करेगा। तो माइनस करते हैं, चलिए डिनोमिनेटर सेम है, 6 माइनस 2, 6 में से 2 माइनस किए 4, इज 4/9। सो होमवर्क डन ऑन मंडे, मंडे को किया गया जो वर्क है वो कितना है, 4/9। इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। देखिए, जो हमें फ्रैक्शन फॉर्म दिए इन्हें हमें डेसिमल्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8/100, तो 8/100 को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। सिंपल वे में देखिए, यहाँ पर हम डिवाइड भी करके देख सकते हैं, तो हम 100 से 8 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो मतलब हम यहाँ पर पॉइंट लेकर जीरो बढ़ा सकते हैं, पॉइंट फिर जीरो, जीरो फिर वन, जीरो, 100 8 जा 800, माइनस किया कट, 0.08 इज अवर आंसर, 0.08 इज अवर आंसर। या फिर यहां देख लीजिए, ये जितने जीरो हैं उतने नंबर पहले हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जैसे ये है 8/100, तो यहाँ पर जितने जीरो हैं सिर्फ जीरो वालों के लिए बता रही हूँ मैं, जैसे 10, 100, 1000, जितने जीरो हैं उतने नंबर पहले हम पॉइंट लगाएंगे। तो ये वन नंबर है लेकिन 2 0, 2 नंबर पहले पॉइंट लगाना है, तो 1 0 हमें लगाना पड़ेगा, देन पॉइंट इज आवर आंसर। क्लियर बेटा? सेकेंड देखिए, सेकेंड है 6/100, सॉल्व ये 2 0 है, 2 नंबर पहले पॉइंट रखना, या फिर डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं, पॉइंट लेके जीरो लगाइएगा। अब यहाँ पे देखिए, 2 नंबर पहले तो 0 6 हमने लिख दिया, 1 2 1 2 0, जीरो लगाना है तो लगाना, नहीं तो 0.06 आंसर। थर्ड
14 अपॉन 100। देखिए 2 0 हैं और नंबर भी 2 ही हैं, नंबर भी 2 ही हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.14 इज आवर आंसर। इसके आगे हम जीरो भी लगा सकते हैं, अगर जीरो लगा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, इसके बाकी के क्वेश्चन जब क्वेश्चन नंबर 4, 5 आप करिएगा, वैसे मैं इसे सॉल्व में आप लोगों को दूंगी भी, पर आप इसे करके देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 6 एक बार और देख लीजिएगा। 3 and 5 upon 100। देखिए हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, पहले हम इसे सिंपल बनाएंगे। 100 3 जा 300 और 5 प्लस किया तो 300 5 and 100। यहाँ देखिए कितने जीरो हैं, 2, या फिर हम यहाँ डिवाइड करके भी देख लेते हैं। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 100 3 जा 300 5 बचा है, तो 5 इससे डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और एक जीरो लगाएंगे। फिर भी 50 हो रहा है, जो 50 100 से डिवाइड नहीं होगा तो हम एक जीरो लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी, यहाँ पे 10 लेंगे, यहाँ पे भी 10 हम बढ़ा लेंगे। अब 105 जा 500 माइनस किया कट, तो आंसर क्या आया, 3.05 इज अवर आंसर। बेटा पॉइंट के बाद को जो नंबर होते हैं हम उन्हें कभी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 35, 32, 05, 02 है ना, 2, 3 जितने भी होते हैं उनको नंबर में ही हम रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा, अगर कोई डाउट है उसमें तो आज ग्रुप पर शेयर कीजिएगा, तो मैं कल वाली वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।